गुजरात के अंदर एक भरूच शहर है, भरूच डिस्ट्रिक्ट, और भरूच डिस्ट्रिक्ट से 12 किलोमीटर लगभग एक मंगलेश्वर गांव है, और वहां पर ये नर्मदा नदी एक टापू बना देती है। जमीन का एक 800-900 एकड़ का जो क्षेत्र है उसके चारों तरफ से यानी दोनों तरफ से जाके आगे मिल जाती है, उसको अपने घेरे में डाल रखे है, उसको टापू बोलते हैं। उसके अंदर 30-40 घरों का गांव था। पहले छोटे छोटे झोपड़ियां हुआ करती थी और जल का आसरा लेकर ही वो वहां रहा करते थे। तो उसके अंदर टापू में अर्थात 800-900 एकड़ जो जगह थी वहां पर 30-40 घरों का एक गांव था, और उसमें जीवा दत्ता नाम के दो ब्राह्मण भाई रहा करते थे, और भी ब्राह्मण परिवार थे उसमें। अब वो जीवा और तत्वा, उसको दत्ता भी बोल देते हैं, तय को दै भी बोल देते हैं। तो हम संत लैंग्वेज में जीवा और दत्ता बोलते हैं। वो बहुत परमात्मा के चाहने वाले थे, परमात्मा की चाह के अंदर वो इतने मगन थे कि जगह जगह जाते थे, संतों के सत्संग सुना करते थे। अब जहां भी वो जाते थे तो ये बताया जाता था कि गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता, और फिर ये भी कहते थे कि पूरा गुरु हो, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी से भयभीत होकर के वो सभी संत मंडलेश्वर ब्राह्मण ऋषि ये शब्द भी कहने लग गए थे कि भी गुरु पूरा हो, पूरे बिना बात बने कोई नहीं। और अपने आप को फिर पूरा सिद्ध करने के लिए बहुत से उदाहरण दिया करते थे। तो जीवा दत्ता जी दोनों भाई परमात्मा की प्राप्ति के लिए मोक्ष कराने के उद्देश्य से संतों के पास जाते, उनके विचार सुनते, और सभी ये शब्द बोलते, यही वचन कहते कि गुरु बिन मोक्ष नहीं और गुरु पूरा हो। तब उन दोनों भाइयों ने सोचा भी हम जहां भी जाते हैं, जिस भी ऋषि महर्षि के, संत के, मंडलेश्वर के, गुरु के, ब्राह्मण के वचन सुनते हैं, हमने तो वो सारे अच्छे लगे हैं। यानी प्रत्येक संत ज्ञान देता है, भगवान की चर्चा करता है, हमें तो सभी अच्छे लगते हैं। लेकिन ये पहचान हम कैसे करें कि इनमें पूरा कौन सा है? सभी अपने आप को पूरा बताते हैं, इनकी वे ऑफ वर्शिप भिन्न भिन्न है, इनके ज्ञान में भी अंतर है। तो ये कैसे निर्णय करें कि गुरु पूरा है? तो उन्होंने सोचा भी देखो मनुष्य जीवन बार बार मिला को नहीं, क्योंकि ज्ञान जो सत्संग सुनाया जाता है, जो जहां भी कोई सुनाता है, तो यही कहते हैं भी मानुष जन्म बार बार प्राप्त नहीं होता। 84 लाख योनियों के अंदर धक्के खाकर दुख उठा करके एक बार मानव शरीर प्राप्त होता है, और मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं की तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो पुण्यात्मा जो होती है उनकी छोटी सी बात ही बहुत ज्यादा चुभ जाती है, वो भयभीत हो जाते हैं, भगवान क्या होगा यदि अब के मोक्ष नहीं हुआ तो ना जाने कितनी बार कुत्ते गधे सुअर की योनियां प्राप्त करनी पड़ेंगी। इस दृष्टिकोण से इस मानव जीवन को सफल करने के उद्देश्य से जीवा और दत्ता ने अपने आप सोचा कि हे भगवान हमें पूरा गुरु मिलाओ, हम पूरे गुरु को समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे पहचान करें। तो उन्होंने आप पे एक डिसीजन ले लिया, एक वट वर्क्स की यानी बड़ की एक सूखी लकड़ी पर नीचे पड़ी थी टूटी हुई काफी दिनों से, उसको उठा के अपने आंगन में जैसे पौधा लगाया करे बना के गड्ढा खोद के और उसमें लगा दीवा गाड़ दी वो सूखा खूंड,
और फिर उन्होंने के विचार किया कि इस सुख के खुंड में, इस सुख की डारी में, टहनी में हम मंडलेश्वर संतों के चरण धोके और चरणामृत डालेंगे। यदि चरणामृत डालने से यह सुखी टहनी हरी होगी, हम उसको पूरा गुरु मान लेंगे। वैसे पुण्यात्माओं, ये कोई तरीका नहीं था पूरे गुरु की पहचान का, पर वो बोले वाले थे, श्रद्धा गणी थी भगवान में, और पूर्ण परमात्मा और पूरे गुरु के लिए वो तड़फ रहे थे। तो परमात्मा अपनी ऐसी आत्माओं के लिए कोई ना कोई तरीका बनाता है। उन्होंने क्या किया, किसी भी मंडलेश्वर के पास जाते और उनसे उपदेश की प्रार्थना करते, उनके चरण धोके और अपने पात्र में डाल लाते। अब चरणामृत तो कोई भी दे देता है, गुरु संत आके उसमें डालते हैं। कई एक को अपने घर पर भी बुला देते, कोई आसपास जा रहा होता वहाँ पहले उनके चरण धोते, आहार कराते और उस लकड़ी में पानी डालते, कुछ नहीं हुआ। ऐसे कई वर्ष बीत गए। अब उन दोनों भाइयों ने प्रार्थना की रोकर एक परमात्मा, हे मालिक, पूरा गुरु कोई है नहीं क्योंकि हमारी टहनी हरी हुई नहीं इनके चरणामृत से, और पूरे गुरु के बिना ये मानुष जीवन व्यर्थ हो जाओगा। ए परमेश्वर, या तो पूरा गुरु मिले और नहीं तो हम अपने अपने दास के इस शरीरों को, हम दोनों भाइयों के शरीर को, मनुष्य जीवन को खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो परमात्मा, और उसमें शेष जन्म देना हमारा यह मनुष्य जीवन का, जिसमें पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत आया हुआ हो। वर्तमान में पृथ्वी पर कोई भी पूर्ण संत नहीं है। इतना कह करके घंटों रोए, घंटों रोए। अपने आत्माओं, जब आपको तड़प होगी भगवान के पाने की, फिर आप जी का यही हाल होगा। परमात्मा पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिया और शरीर का कोई ध्यान नहीं दिया, कठिन से कठिन तप किए। तो उसी सतीथि, ये सतीथि उन्हीं पुण्यात्माओं की होती है जो पुनर्जन्म से भी भक्ति करते हुए आ रहे हैं। कहते हैं, संतों से साधा से तीमस्करी और चोरा नाल खुशाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। युगा युगा से वो पहलवानी यानी भक्ति करते हुए आ रहे थे, और उस भक्ति ने फिर अंगड़ाई ली पिछली पुण्य ने, और बहुत तड़पते, 6 महीने तक लगभग फिर रोते रहे, ए भगवान, या तो शरीर छूट जा या कोई संत मिलाओ मालिक। एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर कहते हैं, सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। लाल ने को ढूंढने के लिए मालिक वहां पहुंच गए। दोपहर के समय उनकी उस झोपड़ियों में यानी उस उनकी गली में चले जा रहे हैं। अब जीवा बाहर आया, जीवा ने देखा कि एक संत आ रहा है। उसने अपने भाई से जाकर कहा कि भाई, एक संत आ रहा है, आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाऊं। अब दत्ता ने कहा कि भाई, आपने देख लिया, मंडलेश्वरों को भी देख लिया हमने, इनके पास कुछ नहीं है, और क्यों जख्म नया करे और कई दिन रोना पड़ेगा, कुछ ना पावे इनके पास। अब वो क्या देखा कि वो परमात्मा उनके गली के, उनके घर के आगे से आगे को चले गए, जैसे किसी का घर पूछ रहे हों, ढूंढ रहे हों। तो दत्ता बार बार जीवा के कहने से
दत्ता बाहर गया, जीवा बड़ा भाई था दत्ता का। दत्ता ने बार बार कहा, जीवा आप आपकी आज्ञा हो तो मेरा ऐसा दिल करे है इस संत ने बुला लाऊं मैं। अब जीवा ने कहा, भाई कोई बात नहीं, अब तेरी इच्छा है तो ले आ, मैं क्यों मना करूं तुझे, देख ले। वो वापस गए तो परमात्मा फिर वापस आ रहे हैं उनके घर की तरफ, वापस जैसे घर गांव से बाहर जाने वाले हो। तो दत्ता ने जाके चरण पकड़ दिए और कहा, परवरदिगार ये दास की झोपड़ी है, एक बार दर्शन दो, पवित्र करो दास की कुटिया को। परमात्मा बोले, चल भाई आगे अंदर। जैसा भी घर पर व्यवस्था थी, कोई बैठना मुड्डा दे दिया, कोई छोटा सा स्टूल। और जीवा ने कहा, दत्ता जा कोई तसला ला उठा के, थाली ला, थाली परात ला, चरण धोएंगे, महाराज आए, भगवान आए, यानी संत आए हैं, संत तो परमात्मा का रूप होता है, उनका ट्रेनिंग थी वह डेली की। चरण धोए पानी से और जीवा ने कहा, था दत्ता संतों के चरणामृत को कहीं ऐसे वैसे नहीं डालना चाहिए, वहां पौधे में डाल दिए, उसमें पौधे में। अच्छा जी, अब दत्ता ने जाकर वो ज्यों ही पानी डाला उस तसले से प्रांत से, जैसा जिसमें पात्र में डाल रखा था, और पानी डालते डालते ही कोपल फूट आई उस वट वृक्ष की टहनी के। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब दत्ता ने आवाज लगाई, जीवा दौड़ के आना, जीवा जल्दी आ। जीवा गया, क्या कि देख भगवान आगे, आज जिसकी चाह थी वो मिल गया हमारे को। अब देखे थोड़ी देर में पूरी कोपल फूट गई, इतने लंबे लंबे पत्ते हो गए, सूखी टहनी गए। अब दोनों ने एक एक पैर पकड़ लिया, एक एक पैर पकड़ लिया, रोवा बुरी तरह, मुंह की तरफ देखे, भगवान आप कहाँ छुपे थे, हे परमात्मा आप कहाँ छुपे थे, हमने तो सोच लिया था कि ये जीवन बर्बाद होगा, और यही प्रार्थना करते थे भगवान, या तो इस जीवन हमारा अंत कर दे इस मनुष्य जीवन का, फिर दे देना जीवन, फिर जन्म देना मालिक, जब कभी परम संत यहाँ आए हों। हमने सोच लिया था इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं रहा। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि भाई बच्चा, अगर पृथ्वी पर संत ना होगा, इसमें आग लग जाएगी, यहां रह नहीं सकता प्राणी, ये तो संत यहां मैं रखता हूं एक आध अपना भक्त प्यारी आत्मा, या स्वयं आता हूं, जिससे पृथ्वी पर बैलेंस बना रहता है। और बेटा जब पृथ्वी पर संत नहीं होगा तो इसमें आग लग जाएगी, पूरी पृथ्वी कटकर मर जा, आपस में इतना बुरा हाल हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हमने तो आपकी बहुत इंतजार करी, आप नहीं आते तो हम 6 महीने और ज्यादा जीवित रहते, क्योंकि सूख का काटा हो गए थे और उनका जो है बुरा हाल था। अब दोनों ने उपदेश लिया, अब उपदेश लिया, ज्ञान सुना, सबसे न्यारा ज्ञान और सबसे न्यारा भगवान। उस ज्ञान से परमात्मा आते रहे, उनको ज्ञान सुनाते रहे, आते रहे ज्ञान सुनाते रहे। कुछ दिनों में वो ज्ञान से परिपक्व हो गए, वो उस ज्ञान को फिर सुनाने लगे अपने ब्राह्मण वर्ग में। अब ब्राह्मण वर्ग तो राम और कृष्ण तो परमान्य को नहीं, शिव जी तो ज्यादा किसी की सुने नहीं, भैरव भूत की भी पूजा करवावे। अब उन्होंने पूछा भी, तुमने गुरु कौन बना लिया, ऐसा नास्तिक जो ब्रह्म विष्णु महेश से भी अलग कोई भगवान बताता है। तो उन्होंने बताया कि बनारस में काशी में हमारे यानी परमात्मा ही आए हुए हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है कबीर जी, परमात्मा आएंगे तुम्हें मिलवाएंगे। तो परमेश्वर फिर आगे अपने भक्तों को संभालने के लिए। जीवा दत्ता ने गांव वालों से कहा कि आ जाओ, आज भगवान आए हैं।
अब ज्ञान तो सुना नहीं, शुरू से ही पूछने लगे तू कौन है, तेरी जाति क्या है। वो ब्राह्मण लोग बोले, तूने हमारे भाइयों को, हमारे धर्म के लोगों को मिसगाइड कर दिया है, तू मुसलमान है या क्या है। परमात्मा ने कहा, जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञाने, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। लेकिन नहीं माने। परमात्मा ने कहा भी मैं जुलाहा हूं और कबीर मेरा नाम है और काशी में रहता हूं, वैसे मेरा मूल ठिकाना सतलोक है। अब सतलोक उन सुना नहीं कदे, वो सतलोक न समझे के कहने लगे, अच्छा धानक है तू, धानक है। कहा पक्का धानक हूं भाई, सारी सृष्टि की रचना बनाने वाला भी मैं ही धानक हूं और कपड़े बुनने वाला यहां पर भी मैं धानक हूं। सब उठकर चले गए। फिर उनका एक मीटिंग हुई, पंचायत हुई। कहने लगे, भाई जीवा दत्ता को जाति से डाल दो, ये तो धानक का चेला बन गया, इसने तो हमारे जाति का नाश कर दिया, एक शूद्र का चेला बन गया, हम कहाँ मुंह दिखाएंगे। उन्हें कर दिया फैसला, सुना दिया फरमान कि जीवा और दत्ता का आपस में भाईचारा बंद, ओका पानी बंद, और कोई नहीं बात करे इनकी, इन तय सब जगह चिट्ठी लिख कर भेज दी। अब दोनों बहुत दुखी हो गए। लेकिन ज्ञान ऐसा है परमात्मा का, सारा संसार रुष्ट हो जावे ये मार्ग नहीं छूट सकता। फिर वो माल थे, मीराबाई की तरह युगन युगन के माल थे, पहलवान थे, और माल वही हो जो सबने ढा दे, तो उनको कोई यू तो हुई कि ये होता गया गलत, फिर कोई बात ना, परमात्मा चाहिए हमने वो मिल गया। फिर क्या हुआ कि जीवा के लड़का था और दत्ता के लड़की, दोनों विवाह योग्य हुए। अब कोई ब्राह्मण हाथ टेकन दे नहीं, बालकों का ब्याह क्यों कर करें। परमात्मा आए, चिंता व्यक्त की कि प्रभु ऐसे ऐसे समस्या आ गई हमारे सामने, वैसे तो आपके दास समर्पित हैं, आपके बच्चे भी ज्ञान को समझ चुके हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, हमारे बिना ब्याह रह जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने आपके ज्ञान से हमें प्राप्त ज्ञान हो गया, पता लग गया कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण काज दीवान बाती, इस वंश चला के देख ले, 1 लाख बेटे थे रावण काज को, दीवा लावणी अभी कोई ना, वंश शेष रहा नहीं, या तो सब ने जाना है, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ बुरा कर दिया, इन ब्राह्मणों ने हमारी हुक्का पानी बंद, भाईचारे से हम अलग कर दिए, हमारे बच्चों के रिश्ते भी ये नहीं लेते ना करते। परमात्मा बोले, तुम एक काम करो, जगह जगह जाके कह दो, भाई या तो हमारे बच्चों का ब्याह करवा होने दो, और नहीं होने देते हो तो हम इन दोनों बच्चों की शादी कराएंगे आपस में, जीवा का लड़का दत्ता की लड़की, इन दोनों का ब्याह आपस में करेंगे हम, और क्या करें। अब उन्होंने ऐसा ही एक प्रोपेगेंडा फैला दिया। अब ब्राह्मणा की फिर पंचायत हुई, भाई उस जमाना नाश हो गया, बाण भाई का ब्याह होगा कित मुंह दिखावांगे, उनकी पंचायत होगी। कहने लगे, आप के विचार किया कि भाई लड़का लड़की का के दोष है, गलती तो उन दोनों ने कुम्या की है, तो हम ये तो अलाउड कर दो भाई, लड़की और लड़किया की ब्याह अन्य स्थान पर हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं भाई, फिर तो कोई ब्याह ना करे, उनके तुमने करो, लड़के और लड़की ने गोद ले लो और फिर हम ब्याह करेंगे। तो वो आए, उनकी पंचायत होगी। कहने लगे, आप के विचार किया कि भाई लड़का लड़की का के दोष है, गलती तो उन दोनों ने कुम्या की है, तो हम ये तो अलाउड कर दो भाई, लड़की और लड़कियां की ब्याह अन्य स्थान पर हो सकता है।
तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं भाई, फिर तो कोई ब्याह ना करे, उनके तुमने करो लड़के और लड़की ने गोद ले लो और फिर हम ब्याह करेंगे। तो वो आए सारे इकट्ठे होकर कि खबरदार जो तुमने आपस में ऐसा दीन भ्रष्ट किया तो, और ये लड़के लड़की तो हमारे हैं, ये लड़का लड़की हमें दो, हम इनको गोद लेते हैं, हम शादी करेंगे इनकी कित्ता करण ढंग से, तुमने इससे कोई लेना देना नहीं। वो बोले ठीक से ले जाओ थरे लड़का लड़की ने। वह समस्या भी हल कर दी ब्याहली भी परमात्मा ने, उन आप पे ब्याह कराया दोनों बच्चों का, वह सरदर्द भी हटा दिया, ब्याह का खर्चा भी ना होया। तो फिर थोड़े दिन वो सीधे हो गए, ज्ञान समझ मान ला गया धीरे धीरे, क्योंकि वो बच्चे जहाँ गए उन्होंने भी ज्ञान समझाया, फिर वो सारा काम सेट हो गया, बच्चे भी उनको दे दिए और परमात्मा की भक्ति भी उस नगरी में तकरीबन करने लगे। अब जो वो सूखे टहनी वट के वृक्ष में जरनामृत डाला था टहनी में, वो एक पेड़ बन गया पूरा, और वो पेड़ आज भी विद्यमान है, 600 वर्ष हो गए उसने, वो पेड़ आज भी विद्यमान है। और वहां पर कबीर पंथ के ये परंपरागत महंतों का वहां एक आश्रम बना हुआ है जो इन यादगारों को संभाले हुए हैं, उसको हम देखकर आए थे, स्वयं आंखों देखकर आए हैं, एक बार गए थे देखने के लिए। उसमें मंगलेश्वर गांव से एक नौका में बैठकर जाना पड़ता है, सामने एक बीच में दरिया है, उसको पार करके सामने वो स्थान है टापू सा। तो वो बता रहे थे कि पहले ये वट वृक्ष इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था, यानी बड़ की एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक बड़ ने आगे बढ़ने की जगह मिल जाओ, वो ऊपर से इसकी दाढ़ी सी आती है नीचे जड़ें और जमीन में घुस जाती हैं, और कुछ ही देर में वो पूरा पिलर सा बन जाता, सपोर्ट देती है और आहार खुराक देती है, फिर आगे टहनी चली जाती, यानी बहुत दूर तक जा सकता है। लेकिन अब उसको काट पीट कर दोबारा वहां खेती करने लगे, और वो थोड़ी सीमा में रह रहा है 2 एकड़ जमीन में, मतलब वो लगभग टोटल तो 4 एकड़ में गया है, यानी 2 एकड़ ऐसे बढ़ रहा है सेंटर से, 2 एकड़ 2 एकड़, तो ऐसे 4-5 एकड़ में अब भी वो विद्यमान है शेष बचा हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ी उसके नीचे गड़ी हुई, बड़े बड़े पेड़ हो गए ऐसे ऐसे। तो वहाँ वो महंत हैं, उनसे भी पूछा, वहाँ के गांव नगर वालों से भी पूछा, तो उन्होंने यही बताया कि ये कबीर परमात्मा जी या जीवा दत्ता नाम के दो भाई ब्राह्मण भाई रहते थे, उनको ज्ञान दिया था, उन्होंने एक शर्त रखी थी, उस कारण से ये वह सूखे वृक्ष की रहनी यु पेड़ रूप धारण कर गई, आज भी वे प्रमाण वहां विद्यमान है।